My name is Manmohan Singh. My YouTube channel is MS Dark Vlogs. Please subscribe my channel. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि आपने देखा था, कल रात के हम लोग कंपनी के पास आ गए थे, तो गाड़ी आज लोड होगी, लेकिन अभी तक क्या कॉल नहीं आया किसी का, और दादू का फ़ोन हो गया था बंद रात में। तो इस चक्कर में शायद कॉल आया होगा तो हमने रिसीव नहीं कर पाया होगा क्योंकि फ़ोन था बंद। तो अभी फ़ोन चालू करके बात की है तो बता रहे कि ठीक है, एक आध घंटे से लोड होगी, तब तक हम लोग बनाते नाश्ता। तो नाश्ते में हमने प्याज आलू और मिर्च काट चुकी है, टमाटर थे नहीं, हम लोग लेना भूल गए हैं, ये चढ़ा लिए। चलिए अब तेल डालेंगे इसमें दोस्तों, इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने और हल्का हल्का इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी मूंगफली सिक गई है, अब इनको निकाल लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम लोग प्याज मिर्च और आलू। ये आए आलू, आलू कर लेंगे फ्राई हल्का हल्का। तब तक वो आलू सीख रहा है, तब तक हम पोहे निकाल लेंगे पोहे के पैकेट में, पोहे को धो लेंगे, थोड़ा गीला कर लेंगे। बंदरा चला माई ससुराल है ना। तो हमने प्याज और मिर्च डाल चुकी थी, तो बढ़िया से फ्राई हो रही है अभी तक। फ्राई होने के बाद फिर इसमें हम ये पोहा धो लेंगे, फिर उसके बाद मिला देंगे इसमें। चलिए पहले पोहा धो लेते हैं, पानी हमने निकाल लिया। चलिए पोहे को डालते करैया में। तो उसको क्या कहते हैं, मिला लेंगे बढ़िया से, पोहे को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए देखिए, मस्त कलर आ गया पोहे में। तो चावल को कर लेंगे थाली में परोस लेंगे। तो दोस्तों क्या, नमकीन के पैकेट निकाले, पहले इसमें नमकीन मिला देंगे हम लोग पोहे में। देखिए मस्त, अब खाएंगे पोहे को। चलिए तो दोस्तों टेस्ट करते हैं कैसी बनी है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया बनी है। दोस्तों क्या कहते हैं, अब गाड़ी खाना बना तो हमने खा लिया, तो अब गाड़ी क्या गेट के अंदर जाएगी कंपनी के अंदर, मतलब तो उस पट्टी वाले ने बोल दिया है गाड़ी लेके आ जाओ। ठीक है, गाड़ी अंदर ले जाते फिर देखते कैसा लोड है। और ये इसका गेट, इसके अंदर जाना है, गाड़ी अंदर खड़ी हो जाएगी। ये गाड़ी कंपनी के अंदर आ चुकी है, सिक्योरिटी गेट गेट खोल रहा है। तो चलिए सामने स्टील पड़ी है, वही लोड होगी, देखते हैं। कहते गाड़ी तो अभी कंपनी के अंदर आ चुकी है और खड़ी हो गई है, अब किसी का कॉल आएगा, कोई बताएगा कहाँ पे लगानी, इसलिए ये गाड़ी वहाँ पर लोड हो रही है। इसलिए लगता है हमारी भी गाड़ी उधर ही लोड होगी। तो अभी सर बताएं कहाँ पर लोड होना है गाड़ी को, तो इसलिए हमने खड़ी कर दी। ये देखिए स्टील प्लांट है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे स्टील बनते हैं, मतलब आयरन बनता है, देख लीजिए आप, सब तरफ आयरन रखा हुआ है, देखिए। ठीक है दोस्तों, चलो बताते कब लोड होती गाड़ी। तो फाइनली गाड़ी लग गई लोडिंग पॉइंट पर, अब गाड़ी लोड हो रही है, लकड़े क्या भैया लगा रहे हैं इसके ऊपर, ये जो स्टील की रोड है ना, ये आएगी। देखो मशीन अभी उठाई है, उठाने मशीन में ये रोड आ गई है, ये रोड आएगी गाड़ी के ऊपर। तो ये रोड होगी कम से कम 28 टन के लगभग, ऐसा लोड मिल टन होगा, मतलब 28 टन हो जाएगा ये लोड, तो बंद कर देंगे इसको। कि दोस्तों कितनी गर्मी है, मेहनत कर रहे हैं ये लोग यार, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो ट्रॉली के नीचे आके बैठ गया हूँ। बहुत कम से कम 35 डिग्री टेम्परेचर है और ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए अभी गाड़ी वो वाली उधर पता नहीं खाली होने चली गई, लोड होने चली है पता नहीं है, अभी हमारी गाड़ी थोड़ी रह गई है, सिर्फ दो ही चैनल आए हैं अभी तक।
जो ये टेलर है ना, इसमें माल हो गया था ज़्यादा, तो खाली हो रहा है, एक बंडल खाली हो जाएगा, इसलिए टेलर वापस आया है वेट करा के। गाड़ी हमारी हो गई लोड, अब क्या काटा करा के फिर वेट कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा हुआ तो एक चैनल मतलब एक जो बंडल है ना उसको निकाल उतार देंगे, ठीक है। चलिए, और उन लोग को अपने 100 रुपये दे दिए, लोडिंग करवाया था इसलिए। चलो अब वेट कराने जाएंगे काटा कराने। चलो 150 150, लेकिन हमने 100 रुपये दे दिए उनको। 100 रुपये क्या है, एक तरह से मामूल होता है इधर इनाम अपनी तरफ से, ऐसा कोई वो नहीं है लोडिंग कराने के, देना ही देना है मतलब खुशी से अपनी, इसलिए दे दिया। चलिए अब यहाँ से काटा कराने निकलते हैं। काटा पर्ची पहले तो वो बता रहे थे कि 310 केजी वेट ज़्यादा हो गया, तो पार्टी से बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे या फिर 310 केजी माल उतरवाएं, वेट उतरवाएं मतलब, ठीक है देखते हैं फिर आके। भाई जैसा सोचा था वैसे ही हो गया है, बोल दिया कि माल खाली करना है, चलिए देखते हैं कितना खाली करते हैं वो लोग। छोटे गाड़ी में माल था थोड़ा बहुत 310 केजी, उसमें से कुछ उनने खाली कर दिया, मतलब 310 केजी खाली करना था, खाली कर दिया, लेकिन पता नहीं कितना खाली कर दिया, दोबारा काटा कराना है, चलो पता करते कितना रही है। दोस्तों अब क्या है, चैन वार डालने की बारी आ गई है, 4 चैन बांधनी हम लोग को, ठीक है चलें। चलो चलो पानी दे दे पानी। तो चैन मैन सब कुछ बांध लिया हम लोगों ने, पूरा कंप्लीट हो गया है। 3 चैन बांध ली, एक ये रही और एक ये रही, चैन हमने बीच में रख दिया था जिससे ये सरिये नीचे ना आए, ठीक है। अब पूरा काम कंप्लीट हो गया, अब रिसीविंग मतलब बेल्टी रहेगी वो मिलेगी, फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। चलिए क्योंकि हमने ये 200 रुपये की बेल्टी मिली, मतलब उन्होंने पहली बार ऐसा सुना है मैंने कि बेल्टी के पैसे लगते, 200 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिए और ये हमें मिली है बेल्टी। ये देखिए गाड़ी का नंबर, आज की डेट और माल का अमाउंट पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, टन लिखा हुआ है इस पर। चलिए दोस्तों अब यहाँ से गाड़ी निकाल लेंगे, नो एंट्री लगी है ऐसा सुना है हम लोगों ने, अगर नो एंट्री लगा होता तो हम रात में निकलेंगे यहाँ से 9:30 बजे, अगर नो एंट्री नहीं लगा हो तो अभी निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं, और गाड़ी भी है 7-8 मतलब 5-6 गाड़ी है, तो साथ में निकलेगी, एक गाड़ी तो हैदराबाद ही जाएगी और बाकी पता नहीं कहाँ जाएगी, ठीक है दोस्तों चलते हैं। तो फाइनली अब गाड़ी हमारी बाहर निकलेगी, ये देखिए सारी गाड़ी को बिल्टी नहीं मिला, लेकिन 2 गाड़ी निकल गई है और एक और रह गई है, ठीक है दोस्तों चलिए यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों क्या कहते, गाड़ी तो हमारी बाहर निकली थी और खड़ी हो गई थी और हम लोग क्या सो गए थे, तो रात के अभी बज चुके 8, तो हम बना रहे हैं अभी अपने लिए खाना, तो खाने में बना रहे हैं अभी अंडा भुज्जी लेकर आया था और करेले का है, फ्राई करेंगे गोल गोल काट के, उसको मतलब करेले की भुज्जी बनाएंगे, ठीक है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये अंडी भुज्जी के लिए प्याज मिर्च और टमाटर को काटेंगे अभी, और ये देखिए इसमें अरारोट मिला दिया है करेला भुज्जी में, तो इसको अभी सेकेंगे, ठीक है दोस्तों चलिए। दोस्तों चलो करेला फ्राई करते हैं, देखिए बढ़िया से बनाया है अच्छे से। चलो दो बार में कर लेंगे करेला फ्राई, तो करेले का पहला राउंड सीख गया हमारे करेले का, अब ये दूसरा राउंड रह गया है, इसको भी सेक लेंगे, देखिए ऐसे हुए सेक इसको। चलिए अब ये दूसरे भी सीख रहे हैं, एक एक से डाल रहे हैं क्योंकि अभी सुपर गए देख लो इकट्ठे हो गए, अभी एक एक से डालेंगे तो क्या है चिपकेंगे नहीं। तो दोस्तों हमारे करेला सीख चुके हैं, अब बनाएंगे अंडा भुर्जी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, 9:30 बजे निकलना है हमको यहाँ से, तो टाइम है नहीं, इसलिए अंडा भुर्जी बना के जल्दी से ख़त्म करते हैं, इसलिए चलो अंडा भुर्जी बनाते हैं। ये जीरा गया है इसमें, लहसुन, अभी डाल देते हैं इसमें प्याज, दोस्तों प्याज हमारी भुन चुकी है, अब हम डालेंगे इसमें मसाला, ये रखे हैं हमारे मसाले, गरम मसाला,
कट करते हैं। हमारा धनिया पाउडर, ये हल्दी, मिर्ची, ये मिक्स मसाले, और अब रह गया नमक खाली डालना, अपन वो भी डाल देंगे इसी में। इतना सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, बस थोड़ा और डाल देते हैं कम पड़ जाएगा। तो सारे मसाले हमारे आ चुके हैं, उसके बाद डाल देते हैं अपन, अभी डाल देते हैं टमाटर भी, उसके बाद डाल देते हैं टमाटर। ये देखो अब इनको घुमा लेंगे, थोड़ा अच्छे से घुमा लेंगे इनको। प्याज तो हमारी बन चुकी है, खाली टमाटर भुनना बाकी है, तो मसाले भी टमाटर भी भुन जाएंगे, उसके बाद में अंडे डालेंगे। तो अंडे भुर्जी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अंडा भुर्जी मानो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में अंडा भुर्जी तैयार, उसमें अंडे फूटने के बाद 5 मिनट में तैयार हो जाती है अंडा भुर्जी। तो हमारी क्या कहते हैं मसाला तैयार हो गया, सब कुछ फ्राई हो गया, अब इसमें अंडा भूर के डालेंगे। 4 अंडे लाए थे, 2 जरूर खाएगा, 2 मैं खाऊंगा, अंडे क्या भुर्जी बन जाएगी उनकी, अंडे गिन के थोड़ी खाएंगे। चलिए देखिए, एक अंडा आ गया, ये दूसरा अंडा आया, और ये तीसरा अंडा आया, और ये चौथा अंडा आया, तो हो गया काम हमारा। अब इसको बढ़िया से घुमा लेंगे चम्मच को कढ़ैया के अंदर ही, ये देखिए और ये हमारी भुर्जी होना तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों हमारा क्या कहते हैं भुर्जी तैयार होने वाली है, मस्त, ये देखिए भुर्जी दिखना चालू हो गई अंडे में, मस्त, ये देखिए, और बस 1 मिनट और लगेगा और हमारी भुर्जी तैयार हो जाएगी। हमारी बन चुकी है रोटी, अब क्या इनको चुपरेंगे, तो ये देखिए घी लगा चुका है हमने, देसी घी गाँव का। चलिए एक एक करके सारी रोटी चिपल लेंगे। खाना तो हमारा बन चुका है, चलिए टेस्ट करते हैं कैसा बना है कैसा नहीं। ये खीरा है, प्याज है, ये करेला का बनाया था सेक के, और ये हमारी अंडा भुर्जी है, धनिया भी है थोड़ी, हम खड़ी धनिया अच्छी लगती है खाने में। चलिए मेरी बारी खाने की, चलिए अब बन, आपको बोलो दोस्तों, अब मैं चेक करूंगा खाना कैसा बना हुआ है। खाना क्या, अंडा भुर्जी अच्छी होनी है, एक नंबर। चलिए खाने को खाते हैं, पूरे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद। चलिए तो दोस्तों क्या कहते हैं, हम लोगों ने खाना खा लिया है अब, और क्या कहते हैं गाड़ी भी चालू कर ली है, अब यहाँ से निकलना है हैदराबाद के लिए, तो कल पहुँच जाएंगे शाम तक, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, 500 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग अगली सुबह।